एक देश के राष्ट्रपति ने धमकी दी है कि जो लॉकडाउन तोड़े उसे गोली मार दो। जी हाँ, कोरोना का कहर इस तरह से फैला है कि लोग कुछ भी कह रहे हैं। अब ऐसा ही एक विवादित बयान आया है एक देश के राष्ट्रपति का। इसमें राष्ट्रपति ने कहा है कि जो कोरोना वायरस के लिए लगाए लॉकडाउन का पालन ना करे उसे तत्काल गोली मार दो। ये देश है फिलीपींस। इसके राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने अपनी सरकार, पुलिस और प्रशासन से कहा है कि जो भी कोरोना वायरस के लिए लगाए गए लॉकडाउन का पालन ना करे, कोई दिक्कत पैदा करे तो उसे तुरंत गोली मार दो। रोड्रिगो दुतेर्ते ने अपने देश के सुरक्षा बलों से कहा कि ये पूरे देश के लिए चेतावनी है, इस समय सरकार के आदेशों का पालन करें, किसी भी स्वास्थ्यकर्मी डॉक्टर को नुकसान ना पहुँचाएं, ये एक गंभीर अपराध होगा। इसलिए मैं पुलिस और सुरक्षा बलों को आदेश देता हूं कि जो लॉकडाउन में समस्या खड़ी करे उसे तुरंत गोली मार दी जाए। ये पहली बार नहीं है जब राष्ट्रपति ने अपने देश को गोली मारने का आदेश दिया है। इससे पहले भी 2016 से 17 में राष्ट्रपति ने ड्रग डीलर्स को बिना कानूनी कार्यवाही के मारने का आदेश दिया था। आपको बता दें कि फिलीपींस में इस समय 2311 से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जबकि 96 लोगों की मौत हो चुकी है। 12 मार्च के आसपास राष्ट्रपति ने कोरोना वायरस की जांच कराई थी, वो नेगेटिव निकले। एहतियात के तौर पर वो खुद सेल्फ आइसोलेशन में चले गए थे। इसके अलावा फिलीपींस के संसद और केंद्रीय बैंक को भी क्वारंटाइन किया गया था। राष्ट्रपति के प्रवक्ता सल्वाडोर पनेलो ने कहा था कि हमारे स्वास्थ्य अधिकारियों की सलाह पर ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं।